बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द साइड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर बाइसेक्टेड एट ई एंड एफ, प्रूव दैट ई बी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। तो बच्चों देखिए, यहां पर आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी, ओके। और दूसरी बात, ए बी और सी डी को ई एंड एफ पॉइंट बाइसेक्ट करते हैं, ओके। अब देखिए, ए बी आपकी ये वाली लाइन है, ओके। इस साइड को ई पॉइंट बाइसेक्ट करता है, यानी कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ओके। और सी डी को बाइसेक्ट करता है एफ पॉइंट, यानी कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ओके। इसके बाद आपको प्रूव करना है कि ई बी एफ डी, ओके, अगर आप यहां पर इनको ज्वाइन करते हैं, ओके, तो यहां पर एक पैरेललोग्राम जैसा एक फिगर दिखेगा। और आपको यही प्रूव करना है कि ये जो फिगर पैरेललोग्राम जैसा दिखता है, कि क्या ये एक्चुअल में पैरेललोग्राम है या फिर नहीं। देखिए, अगर आप यहां पर एक फिगर बनाएं ई बी और यहां पर एफ और बी को ज्वाइन कर दें, ओके, और डी और ई को ज्वाइन कर दें, ओके, तो यहां पर पैरेललोग्राम जैसा एक फिगर आपको दिखाई देगा, ओके। और इसी को आपको यही बताना है कि क्या ये एक्चुअल में पैरेललोग्राम है या फिर नहीं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसकी शुरुआत कहाँ से करनी है, ओके। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, सिंस यू नो वेरी वेल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम देयरफोर यू कैन राइट वॉट यू कैन राइट। देखिए, पैरेललोग्राम के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। अब देखिए, आपको कौन सी साइड लेनी है और कौन सी साइड छोड़नी है, ये आपको यहाँ पर करना है। अब बच्चों, आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, ये आपको मालूम है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो शुरुआत करनी है वो कहाँ से करनी है, इस बात को जरा समझो, ठीक है। अब देखिए, जो आपका डी ए लाइन है और सी बी लाइन है, ठीक है, इनका कोई यूज नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो फिगर है आपका ई बी एफ डी, ओके, इसको ध्यान से देखें, इस फिगर को ई बी एफ डी, ओके। तो ये जो आपका फिगर है, ये आपका लाई करता है डी सी और ए बी पर, ओके। तो इसका सिंपल सा मतलब है, इन्हीं का इस्तेमाल होने वाला है, ओके, और डी ए और बी सी लाइन का यूज नहीं होगा। देखते जाइए मैं कैसे इसको सॉल्व करने वाला हूं। तो आपने यहां पर कहा, सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो आप लिख सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ओके, सो दिस इज क्वाइट ऑब्वियस। एंड और क्या लिख सकते हैं आप, पैरेलल होगा और इक्वल भी होंगे, ए बी इज इक्वल टू डी सी, ओके। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, अगर ए बी पैरेलल है डी सी के, तो आप इस बात को भी लिख सकते हैं कि जो ई बी है, ठीक है, ई बी लाइन है, ये भी पैरेलल होगी डी एफ के, क्योंकि जब आपकी कंप्लीट लाइन ही पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो छोटी लाइन तो पैरेलल होगी ही होगी, ओके। तो आप इस बात को भी लिख सकते हैं, ई बी इज पैरेलल टू डी एफ, ओके। तो बच्चों, आपने इस फिगर के अंदर ई बी एफ डी के अंदर पैरेललोग्राम का पहला वाला रूल सेटिस्फाई कर दिया है, ओके, इसका मतलब है अब सिर्फ एक रूल बाकी है, कौन सा, अब साइड्स को इक्वल करना है, अब सिर्फ साइड्स को इक्वल करना है, साइड्स को पैरेलल तो आपने प्रूव कर दिया, ओके। अब देखिए, जिस तरीके से आपने यहां पर लिखा है ए बी इज इक्वल टू डी सी, इन द सेम मैनर आप इसको लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी, ओके। जब आपका ए बी बराबर है डी सी के, तो हाफ ऑफ ए बी जो है वो बराबर होगा हाफ ऑफ डी सी के, क्योंकि यहां पर बोला गया है आपको ये बाइसेक्ट करता है, यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ओके। तो इसीलिए आप इस बात को यहां पर लिख सकते हैं। और देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हाफ ऑफ ए बी का क्या मतलब है, अगर हम यहां पर ए बी लाइन को हाफ करते हैं, तो हाफ का सिंपल सा मतलब हो जाएगा ए ई या फिर ई बी, लेकिन हमें ए ई का जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है सिर्फ ई बी का, ओके। इन द सेम मैनर यहां पर देखिए, डी सी का हमने हाफ किया है, डी सी लाइन का हाफ किया है,
ओके तो हाफ का क्या मतलब है, एफ पॉइंट आपका बाइसेक्ट करता है टू इक्वल पार्ट्स में, तो यहां पर हाफ ऑफ डीसी का मतलब है या तो डीएफ या फिर एफसी, लेकिन एफसी का हमको कोई यूज नहीं है, हम बात कर रहे हैं यहां पर सिर्फ डीएफ के बारे में। तो अगला स्टेप आपका होगा ईबी पैरेलल टू डीएफ, ओके ये आपका कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद यहां पर आप चेंज करेंगे, ओके हाफ ऑफ एबी को आप लिखेंगे, देखिए ईबी आप लिख सकते हैं इसको, है ना, ईबी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डीसी, हाफ ऑफ डीसी में हम लिखेंगे डीएफ, एफसी का कोई यूज नहीं है तो आप लिखेंगे यहां पर डीएफ। ओके अब देखिए दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो चुकी है, दोनों रूल पैरेलल भी आपने प्रूव कर दिया और यहां पर जो साइड है उसको इक्वल भी प्रूव कर दिया, तो आप यहां पर बोल सकते हैं ई बी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की, P and Q are the points of trisection of the diagonal BD of a parallelogram ABCD. Prove that CQ is parallel to AP. Prove also that AC bisects PQ. तो बच्चों ये है आपका parallelogram ABCD. Okay. अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है P and Q are the points of trisection of the diagonal BD of a parallelogram. इस लाइन का मतलब क्या है? आपके पास एक डायगोनल है BD. ओके यहां पर हम इस डायगोनल को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके इसके बाद देखिए यहां पर बोला गया है ट्राइसेक्शन। ओके और इस डायगोनल पर आपके दो पॉइंट्स हैं P और Q। ओके ट्राइसेक्शन का मतलब है तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना। ओके तो डायगोनल को तीन पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया गया है और पॉइंट्स हैं P और Q। ओके तो लेट्स से हम यहां पर अज्यूम कर लेते हैं ये आपका यहां पर हो जाता है P पॉइंट। ओके लेट्स से यहां पर इसको मैंने नाम दे दिया P पॉइंट और यहां पर इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया Q पॉइंट। ओके तो ये आपके दो पॉइंट हैं जिनकी वजह से यहां पर आप देख सकते हैं पहला पार्ट आपका D से Q तक होगा, दूसरा पार्ट आपका Q से P तक होगा और तीसरा पार्ट आपका P से B तक होगा, तो ये इक्वल होने चाहिए आपके, है ना, यही मतलब है इसका ट्राइसेक्शन का मतलब, तीन भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। इसके बाद आपको बोला गया है प्रूव दैट सी क्यू इज पैरेलल टू एपी। ओके तो सी क्यू को आप यहां पर ज्वाइन कर लेंगे। ओके मैं यहां पर डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, और एपी को भी मैं इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ओके तो हमें इस बात को प्रूव करना है कि जो सी क्यू लाइन है ये पैरेलल है एपी के। ओके और साथ में ये भी प्रूव करना है दैट एसी बाइसेक्ट्स पीक्यू। ओके जो एसी लाइन है आपकी, ठीक है, एसी आपकी क्या होगी, डायगोनल होगी, तो इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। ओके अब आपको यही प्रूव करना है कि जो एसी हमने ड्रॉ की है, ठीक है, ये पीक्यू लाइन को, जो आपका पीक्यू है, ओके इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। लेट्स से इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ओ। ओके तो हमें ये प्रूव करना है कि क्यू ओ इज इक्वल टू ओ पी, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि जो पैरेललोग्राम की डायगोनल्स होती हैं वो बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे सिंस, और सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि जो AC है वो बाइसेक्ट करती है PQ को, ठीक है, तो इस कंडीशन को सबसे पहले हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, सिंस डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर देखो बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है आपकी देखिए ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होगा। ओके ओ बी बराबर होगा ओ डी, ठीक है, यही तो मतलब होगा, तो आप यहां पर लिखेंगे ओ ए
इज इक्वल टू ओसी है ना, जब आपकी डायगनल्स दो हैं यहां पर ओके, और ये आपस में बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो इसका मतलब है ये जो साइड होगी इसके बराबर होगी और ये जो साइड होगी आपकी इसके बराबर होगी है ना। इसी बात को मैं यहां पर लिख रहा हूं, ओबी बराबर होगी आपकी ओडी के है ना। और देखिए जो आपका यहां पर बीडी जो आपका डायगनल है ओके, बीडी यहां पर डायगनल है और ये बीडी लाइन को थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो आप इस बात को भी लिख देंगे सिंस पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ बीडी, इसका क्या मतलब होगा, इसका सिंपल सा मतलब होगा कि आपका बीपी जो है वो बराबर होगा पीक्यू के और पीक्यू बराबर होगा क्यूडी के। ठीक है, इस बात को हम यहां पर लिख लेते हैं कि बीपी इज इक्वल टू पीक्यू एंड पीक्यू इज इक्वल टू क्यूडी ओके, तो आपस में तीनों बराबर होंगी। ट्राइसेक्शन का यही मतलब है, थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड करना ओके। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से समझना, नाउ वी कैन डू वन थिंग, आपको मालूम है कि OB इज इक्वल टू OD है, OB इज इक्वल टू OD है ओके, अब यहां पर आप लिखेंगे OB इज इक्वल टू OD एंड BP इज इक्वल टू QD, ये दोनों चीजें आपको गिवन हैं ओके, ये दोनों चीजें आपको गिवन हैं, OB इज इक्वल टू OD एंड BP इज इक्वल टू QD। अब देखिए इस बात को मैं क्यों लिख रहा हूं, आप यहां पर समझ जाएंगे कि इस बात को मैं क्यों लिख रहा हूं। तो बच्चों इसको लिखने का मेन मोटिव ये है कि हमें जो सेकंड कंडीशन है इसको प्रूव करना है ओके, इसका सिंपल सा मतलब है ओपी बराबर ओक्यू आपको प्रूव करना है, और इसको प्रूव करने के लिए आपको यहां पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन कैसे, अगर मैं ओबी में से, देखिए ओबी आपकी ये वाली लाइन है, ओबी में से अगर मैं आपकी देखिए ये वाली माइनस कर दूं ओके बीपी, तो आपको क्या मिल जाएगा, ओपी मिल जाएगा ओके, ये मिल जाएगा आपको ओपी। अगर आप बीपी माइनस करते हैं तो मैं यहां पर बीपी को माइनस कर देता हूं, और बीपी और क्यूडी आपकी बराबर है ओके, एंड आप इस बात को लिख सकते हैं ओडी में से अगर मैं क्यूडी माइनस कर दूं, आप यहां पर देखें फिगर के अंदर ओडी में से अगर मैं क्यूडी माइनस कर दूं तो आपके पास ओक्यू निकल के आ जाएगा ओके, थोड़ा सा ध्यान दे, ओडी में से अगर मैं क्यूडी माइनस कर दूं ओके, अब देखिए हमने इसको माइनस क्यों किया है, यहां पर भी माइनस कर दिया, यहां पर भी माइनस कर दिया, किस बेसिस पर किया है, अगर आप इसको एक्स मान लें क्योंकि ये भी आपका बराबर है ओके, बीपी इज इक्वल टू क्यूडी, तो दोनों को अगर एक्स मान लें और यहां पर हम एक्स एक्स कर लें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपका ओबी इज इक्वल टू ओडी ही रहेगा ठीक है, ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। और इसके बाद आप आसानी से लिख सकते हैं, जब आपने माइनस कर दिया तो आपके पास क्या बचेगा, ओपी इज इक्वल टू ओक्यू है ना, यही तो आपके पास बचेगा, ओपी इज इक्वल टू ओक्यू ओके। तो बच्चों फाइनली आपने इस बात को तो प्रूव कर दिया कि जो एसी आपकी डायगनल है वो पीक्यू को बाइसेक्ट करती है ना, इसी बात को हमने यहां पर प्रूव कर दिया है, ओपी इज इक्वल टू ओक्यू ओके। अब इसके बाद आपको ये प्रूव करना है कि जो सी क्यू है ओके, सी क्यू जो है वो आपकी पैरेलल है एपी के, तो इसके लिए आपको सिंपली यहां पर ए क्यू को ज्वाइन करना है ओके, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, ए क्यू को हम ज्वाइन कर लेते हैं, ए क्यू को ज्वाइन करने के बाद आप पीसी को भी ज्वाइन कर लें ओके, यहां पर पीसी को भी आप ज्वाइन कर लें ओके, इस तरीके से। अब बच्चों इस बात को प्रूव करने के लिए सी क्यू इज पैरेलल टू एपी, इसको प्रूव करने के लिए अगर मैं मान लूं कि जो आपका एपी सी क्यू है वो एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल को मैं पैरेललोग्राम प्रूव कर दूं, तो मैं कह सकता हूं कि जो सी क्यू है वो आपकी पैरेलल होगी एपी के। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैंने ये कहा कि अगर मैं एपी सी क्यू को एक क्वाड्रिलेटरल लेकर चलता हूं और सॉल्व करता हूं और मैं ये प्रूव कर दूं कि आपका ए पी सी क्यू एक पैरेललोग्राम है, तो ऑब्वियसली मैं ये कह सकता हूं फिर उसके बाद कि क्यू सी जो है वो आपका ए पी के पैरेलल होगा और इक्वल होगा है ना,
तो बेसिकली हमें इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप इसको पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं। आपको मालूम है, आप यहां पर लिख लेंगे दस इन क्वाड्रिलेटरल एपीसीक्यू वी हैव। देखिए हमने पहले ही लिखा है यहां पर ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। आपको मालूम है कि आपका एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और जो आपकी डायगनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये देखिए ये जो आपकी डायगनल है ए सी, ओके, इसके अंदर क्या होगा, यहां पर देखिए इस कंडीशन को ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओके, यानी कि ये बराबर है आपकी इसके, है ना। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये बराबर है इसके, तो ये ऑलरेडी आप प्रूव कर चुके हो, ओके। तो हम यहां पर लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। और ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू जस्ट हमने अभी प्रूव किया है, तो यहां पर हम लिख देंगे एंड ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। तो बच्चों जैसा कि मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा था, सिंस डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसका सिंपल सा मतलब है कि पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, ओके। और यहां पर ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है ए पी सी क्यू, इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना था, और हमने यहां पर ये प्रूव कर दिया कि जो आपकी यहां पर डायगोनल्स हैं इस पैरेललोग्राम के अंदर, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ओके, वो एक दूसरे के बराबर हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, और इसका सिंपल सा मतलब यही हो जाएगा कि ये आपका एक पैरेललोग्राम है। और जैसे ही ये पैरेललोग्राम होता है उसके बाद आप बोल सकते हैं सी क्यू बराबर होगा ए पी के। मेरी बात आई समझ में बच्चों? मैंने क्या लिखा, एक छोटा सा कंडीशन है कि आपकी डायगोनल्स कैसी होनी चाहिए, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि हमने इसको क्वाड्रिलेटरल माना था, ए पी सी क्यू बाइसेक्ट ईच अदर, ओके। तो आप इसको बोल सकते हैं कि ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, ओके। हेंस यू कैन राइट दैट सी क्यू इज पैरेलल टू ए पी। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम।